मैं पैसे लाना भूल गया, कल दे दूंगा। ऐसा कैसे चलेगा, पैसे तो देने ही पड़ेंगे वरना अपने मिमिक्री भाई नाराज हो जाएंगे। अरे जब पैसे ही नहीं है तो कहाँ से दूं? मिमिक्री स्वागत नहीं करोगे हमारा? कमाल करते हैं तुबे जी, खाना खाने आ गए और पैसे नहीं लाए। कोई बात नहीं, कल दे दीजिएगा, वरना हम आपको इतना पीटेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा दर्द कहाँ कहाँ हो रहा है, समझे? ओए गुड मॉर्निंग। ओ मिमिक्री भाई, ये बताओ आज खाने में क्या स्पेशल है? आज तो इतने स्पेशल आइटम है कि आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि ये आइटम खाएं या वो आइटम खाएं। मिमिक्री भाई, मैं हूँ खाऊ चोर, ये पेट मांगे मोर। खाना कहाँ गया? चाचू मेरा खाना भी गायब है। हैं? ये क्या, मेरा खाना किधर चला गया? आइडिया चाचू, खाने का चोर तो एक ही है, खाऊ चोर। हाय एंड बाय। ओए भतीजे जल्दी चलो, पीछा करे उसका। तो दोस्तों, आज जिसका खाना सबसे टेस्टी और अच्छा होगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अब मैं देख रहा हूँ कि सबने कुछ ना कुछ स्पेशल डिश बनाई है। हमारे स्पेशल जज मिस्टर खोजी सिंह सबका खाना टेस्ट करके ये फैसला करेंगे कि किसका खाना सबसे अच्छा है। ओए कहाँ अटैक हो गया, किसने अटैक कर दिया? मैडम जी वो देखो, वो वहाँ चुआ चुआ, उसने हमला कर दिया। ओए भैंस की पूछ, तू हवलदार होके चूहे से डरता है? है चलो भाई, सब अपने अपने काउंटर पे चलो। ओए भैंस की पूछ, मेरा खाना किधर गया? ओए मेरा खाना भी चोरी हो गया। ओए कौन है चोर? मेरा खाना किसने खाया? अब क्या होगा भतीजे, खाना तो खा के वो भाग गया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और प्लान है। बहादुर सिंह जी आप ये अनाउंस करो। खोजी अंकल, अपना स्पेशल फूड स्प्रे में डाल दीजिए, उसमें से खाने की ऐसी खुशबू आएगी कि खाओ चोर को आना ही होगा। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, आप सब लोग बचा हुआ खाना बीच में जो टेबल है उसके बड़े थाल में रखो, समझे कि नहीं समझे? जज साहब वहीं से सबका खाना टेस्ट करके फर्स्ट प्राइज देंगे। Oh.
इस्तेमाल करते हो। ओए भैंस की पूंछ, इब पकड़ा गया, इब कहाँ जाएगा? खाऊ चोर, अब तुम खुद को कानून के हवाले कर दो। मैं हूँ खाऊ चोर, ये पेट मांगे मोर। माल करते हो खाऊ चोर, बिना बात लोगों को मार रहे हो, हम है ना? हम नहीं है। पिज्जा किसने बनाया था? अब मैंने बनाया था, क्यों तने कोई तकलीफ है? ओह माय माय, यकीन नहीं हो रहा, आप इतना अच्छा पिज्जा बना सकती हैं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कोई इतना अच्छा पिज्जा नहीं बना सकता। मैं कल फिर खाने आऊंगा आपके हाथों से बना स्पेशल पिज्जा। जज साहब, बंदूक लीजिए, इस कंपटीशन में फर्स्ट आई है, इन्हें ट्रॉफी दे दीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय बाय। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय जी। बंदूकनी जी, वो आपको उल्लू बना के जा रहा है, उसे जाने मत दो। ओए भैंस की पूंछ, मैं उसकी बातों में आ गई, ओए पकड़ो उसे। खोजी अंकल, प्लान बी शुरू कीजिए। भतीजे की सोच और खोजी की खोज का कोई जवाब नहीं। अरे अरे भैंस की पूंछ, अरे ये तो सब खाए जा रहा है। और तेजी से मारो। अभी दिखाता हूँ। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। बंदूकनी जी, अब खाओ चोर नहीं भाग सकता, हमारा प्लान यही था कि इसे इतना खिला पिला दो कि ये हेल भी नहीं पाए। अब आप इसे पकड़ लीजिए। और चल बहादुर, पकड़ इसे और चोरी का माल बरामद कर। बंदूकनी जी, चोरी का माल इससे तो बरामद नहीं हो सकता, वो तो सब पेट में है। देखो थोड़ा बहुत खाना बचा हो तो वो भी खिला दो, खाना वेस्ट नहीं करते ना। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। ओए मेरी किट्टी घर से भाग गई है, तुम्हारी वजह से हुआ है सब। तुम उसे पेट भर के खाना भी नहीं देते थे। उसे नॉन वेज पसंद था, लेकिन तुम उसे वेज ही देते थे। इसीलिए वो घर से भाग गई। ओए पम्मी बस कर, कितने टिश्यू बर्बाद करेगी? पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते, इन्हें अपने पर्स में रख ले, तेरे ही आंसू के हैं, फिर कभी जरूरत हो तो नए टिश्यू मत यूज करना। हाँ टिश्यू पेपर की पड़ी है, मेरी किट्टी को ढूंढ के लाओ, वरना मैं रो रो के यहाँ बाढ़ ला दूंगी। ओए चाचे, तो जा किट्टी को ढूंढने और मैं बंदूकनी सिंह की हेल्प लेने जाता हूँ। तमाशा लगा रखा है।
एक बिल्ले इंसान को चूहा बना देती है। अरे झींगा सुरमाई पापलेट सबको कर दिया लेट, अब ढाबे पे क्या खिलाऊंगा, सिर्फ आमलेट। एक बिल्ले इंसान को चूहा बना देती है। अरे तुम लोग सिर्फ तमाशा देखो तमाशा, यहाँ बिल्लियाँ सर पे ताज पहनेंगी और हम सब पर राज करेंगी, तुम लोग बनो गुलाम। ए 100 में से 80 बेईमान फिर भी फंटुश नगर महान। एक बिल्ले इंसान को चूहा बना देती है, करो चू 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 चू। भतीजे बिल्ली के गले में घंटी बांधेगी कैसे, कुछ सोचो। चाचा आइडिया, बिल्ली को पकड़ना है तो मछलियाँ लेकर चलो। बिल्ली को मछली बहुत अच्छी लगती है, उसकी महक सुनकर ही किट्टी हमारे पास आ जाएगी। अच्छा मारो बिल्लियो, ओ हट जो पीछे, ओ ये तुम्हारे लिए नहीं है, ओ पीछे, ओ ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। चाचू एक दो फिश फेंक के उन्हें दे दो। ओ नहीं नहीं पतीजे, पल्ला साहब कहते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, ले संभाल पैकेट। ओए भतीजे इन्होंने तो मुझे पकड़ लिया। ओए हे इधर इधर, ये लो मछलियाँ, ये लो खा लो, ये लो। चाचू आप ठीक तो हो ना? ओ भतीजे के होते चाचा को कुछ हो सकता है। थैंक यू। भतीजे की सोच और खोजी की खोज का कोई जवाब नहीं। ये लो रोबोटिक वुड पैकर, मैंने किटी की फोटो इसमें फीड कर दी है, ये उड़ता हुआ जाएगा और जहाँ किटी मिलेगी ये एक सिग्नल भेजेगा। भतीजे तुम इस मॉनिटर में देख सकते हो कि ये वुड पैकर कहाँ है और किटी कहाँ है। मेरी किटी मिल तो जाएगी ना? अगर होगी तो जरूर मिल जाएगी। होगी का क्या मतलब है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि उसे कुछ हो जाएगा? तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। किटी गुड गर्ल, ओ कार चलो बेटा। ये तो चाचा भतीजा है, रोज ऑफिस में देखती हूँ इन्हें। ओ तुम मुझे पकड़ के ले जाने आए। ओए 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 रुक जा किटी, ओ मैडम जी रो रही है। वो देखो। ए भाई, तुमने यहाँ किसी की बिल्ली को देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे बावड़ी भूत, सुबह से एक बिल्ली ना दिख रही है। हेलो बिल्ला रंगा अगड़ू बगड़ू, सुनो ए
एक पुलिस वाली सबसे पूछ रही है किसी बिल्ली को देखा है क्या। लगता है पुलिस बिल्लियों को पकड़ने निकली है, जैसे वो लोग डॉग्स को पकड़ के ले जाते हैं। हमें कुछ करना होगा। करना क्या, कुछ दिनों के लिए ये इलाका छोड़ के कहीं और निकल लेते हैं। चलो भाइयों। बावड़े हो गए ओके, इस तरफ रोड पे अचानक आ गए हैं। किट्टी मिल गई है, वो उस तरफ भागी है। चलिए पीछे करते हैं जल्दी। उन लोगों को पता कैसे चलता है मैं कहाँ हूँ और ये हुड पैकअप मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? कहीं ये तो उन्हें खबर नहीं दे रहा। अभी चेक करती हूँ। सिग्नल गायब हो गया, लगता है वुडपैकर की मशीन खराब हो गई। एक तो सिग्नल नहीं मिल रहा है और ऊपर ये सुबह से बिल्ली नहीं मिल रही है। क्या मजाक लगा रखा है। हाय मेरी किटी, अब उसे कैसे ढूंढेंगे? एक तरीका है, अब हम किट्टी के पीछे नहीं भागेंगे, वो हमारे पास आएगी। एक करके क्या डाल रहे हो? अरे थैली भर के फिश लाए हो तो सारी डाल दो ना, उनकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी, तभी तो मेरी किट्टी खुशबू सूंघ के इधर आएगी। अरे एक किट्टी के लिए एक फिश बहुत है, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते। इंसानों को ये महक आए ना आए, किट्टी को जरूर आएगी। ओ मुझे तो डर है कि ये खुशबू सूंघ के कहीं किट्टी की बजाय बाकी बिल्लियां ना आ जाए। तो बंदूक नीचे है ना, डरिए मत। ये गलती मत करना, ये स्मेल कर देंगी हमें फेल। ये पक्का पुलिस का ट्रैप है। वो रही आंटी, आप पीछे जाकर उसे पकड़ लो, वो हमारे हाथ नहीं आएगी। किट्टी, और कोई मेरी किट्टी को बचाओ। आंटी ये रही आपकी किट्टी। थैंक यू चाचा भतीजा, थैंक यू वेरी मच जी। मेरी किट्टी क्यों भाग गई थी तू? देख तेरे लिए कितनी सारी मच्छी फ्राई कर रही हूँ मैं।
ओ चाचा, मेरी किट्टी आपने ढूंढ के दी, इसलिए इस साल आपको डबल बोनस दिया जाएगा। हाँ जी। क्या? ओए नहीं ओए, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते।